इन्होंने भी इनको मेरे तीन बार जब आदमी कुछ करके दिखाता है सूखे लोगों को हम बनाए उसके बजाय जिस आदमी ने जमीनी सतह पर अपना दबदबा दिखा दिया है ऐसे आदमी को आउट ऑफ करना अपने इसका नाम अच्छा तेज लड़का है और अकेला आपने इस साइड से जूझ से जीत गया है हमारी आज वैली के कुछ सीनियर वहदारों की मीटिंग यहाँ पर थी नंबर एक जो हमने 5 अप्रैल से चलो पंचायत की ओर प्रोग्राम लिया है क्योंकि जो मरकजी सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे थे कि स्टेट डाउनग्रेड करने के बाद में जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर और आसमान के तारे ज़मीन पर लाए उसको थोड़ा असेस करने के लिए कि ग्राउंड सतह पर लोग क्या फील कर रहे हैं कि क्या उनको कोई सहायता मिली है कोई उनको असिस्टेंस मिली है उस चीज़ का हम जायज़ा देखेंगे और भी जो मसाइल लोगों के हैं उनको सुनने के लिए कांग्रेस ने एक मिशन हाथ में लिया है। नंबर दो आज के दिन पर था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 24 अप्रैल फिलहाल आने वाला 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे के तौर पर पूरे देश में ऑर्गेनाइज करने का एक फैसला लिया है। 24 अप्रैल 1989 में ये पंचायत राज जो नाफिज हुआ था 73rd, 74th amendment वो 24 अप्रैल 1990 में लागू हुई थी 89 में पेश हुई थी वो बिल और 24 अप्रैल को पास हुई थी जिसके तहत आज पूरे देश में पंचायतों को एम्पावर किया गया ज़मीनी सतह पर उनको फंड्स अलाट किए जाते हैं ताकि वो लोकल लेवल पर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं फिर BDCs कायम में आए DDCs कायम में आए उसी 73rd, 74th अमेंडमेंट की वजह से और जो इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं ये सब तभी मुमकिन हुआ जब कांग्रेस पार्टी के क़यादत में और राजीव गांधी जी के ज़ाती इच्छा से ये बिल पास हुई थी जिसकी वजह से आज लाखों की तादाद में नुमाइंदे अपनी अपनी सतह पर जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ जो 33% महिलाओं की रिजर्वेशन इस देश में लागू हुई थी ताकि ये कमज़ोर तबका है इनको भी जमहूरी तरीके में आगे आने की गुंजाइश होनी चाहिए राजीव गांधी का सपना था उन्होंने पूरा किया 33% रिज़र्वेशन देकर म्यूनसिपलिटीज़ में पंचायतों में आज तभी ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों की आवाज़ बहनों की आवाज़ आगे पहुंचा रहे हैं इसलिए 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स पर नेशनल पंचायत डे के तौर पर कांग्रेस पार्टी उसको ऑर्गेनाइज करेगी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेगी। मिर्जा एथलीट अभी हम इसीलिए तो मिशन लिया जब हम पहले कह रहे थे कि खोखले वादे हैं तो तब सरकार को बौखलाहट भी आती थी तो इसलिए हमने जब एक मिशन लिया है कि हम ग्राउंड सतह पर जाएंगे क्योंकि पिछले 1.5-2 साल तो किसी को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया खासकर अपोजिशन पार्टीज़ को तो इतनी पाबंदियाँ इतने प्रतिबंध लगाए कि कहीं निकलना चाहते कहीं सब लोग इकट्ठा करना चाहते उसका इजाज़त नहीं दे रहे अब हमने एक मिशन के तौर पर यह प्रोग्राम लिया हमारे तमाम लेवल के अहदेदार इसमें शामिल रहेंगे अपने अपने लेवल पर जो फीडबैक 20 मई तक हमें एक्चुअल फीडबैक आएगा उसको हम जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और देश के सामने रखेंगे कि गवर्नमेंट के वादे क्या हैं और ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन कई सारे मूव इन्होंने चलाए जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के मुताबिक नहीं थे और उसी तरह से एक मुंह आज भी ये चलाया गया कोविड का बहाना लेकर दरबार मुंह बंद किया गया जम्मू से श्रीनगर नहीं आने दिया जबकि मैं मानता हूँ कि देश में जो बाकी रियासतों में जो सिचुएशन है उसके मुकाबले में अभी जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले का रहम है कोविड फेज सेकंड तेज़ी से बढ़ रहा है मगर उतनी तादाद में नहीं है कि जिसकी वजह से दरबार मुँह नहीं हो सकता था जिसकी वजह से 6 महीने के लिए यहाँ के लोगों को यहाँ के सेक्रेटरीट में अपने बातें रखने का मौका ना मिलता तो ऐसे में मेरी गुजारिश यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए कि ये दरबार मुँह बंद करने से एक नई मतलब एक परेशानी का एक शुरुआत वो दे रहे हैं ऐसा ना हो जैसे तैसे करके रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ जम्मू से आ ही रही
तो ऐसे में अगर उनके मटेरियल यहाँ लाने की बात थी, सेक्रेटरीट यहाँ चलाने की बात थी, मुझे नहीं लगता है। अगर सेक्रेटरीट मूव करने में उनको इतनी परेशानी है तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोविड को डील करने में टोटल फेलियर है। मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे दावे, बहुत सारे स्लोगन्स इस सरकार के हैं, मगर ज़मीनी सतह पर जब हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग करीब 10 साल, इन दो सालों में 10 साल पीछे चली गई। जो रोज़ाना की मरम्मत, अगर आप आज देखेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट रोड, जो रियासत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है, जिसमें सबसे बड़ी वीआईपी मोमेंट ही है, अगर आप इस वक्त उसकी हालत देखेंगे तो उसमें कश्तियाँ चलाने वाली पोजिशन है। तो ये तो उनका फेस है, ये तो माथा है किसी सरकार का। जब इसको ये ठीक नहीं कर सकते तो अंदरून शहर में क्या हालत होगी, अंदरून रियासत में क्या हालत होगी, वो देखना तो दूर की बात जो है। ये ऑलरेडी हमने पिछले 45 दिन में ये इश्यूज उठाए, जब हमने 15 फरवरी से 30 मार्च तक 45 दिन का मिशन चलाया महंगाई के खिलाफ, उसमें हमने पेट्रोल, डीजल, LPG, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पावर टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, सारे टैक्सेस जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पर चढ़ाए, तो उसी से तो आम आदमी का कमर टूटता हुआ दिख रहा है। आमदनी तो किसी लेवल से नहीं बढ़ाई, कोई सहायता गरीब लोगों को किसी तरह से नहीं है। 370 के टूटने के बाद में लॉकडाउन, कोविड का लॉकडाउन, बिजनेस ठप, रोज़गार ठप, ज़मीनी सतह पर फंडिंग नहीं है। तो ऐसे में आप टैक्स पर टैक्स बढ़ा के एक एवरेज फैमिली को कम से कम माहाना 10,000-20,000 रुपए का जो लोड डाल रहे हैं, जिनके घर में एक भी कमाई वाला नहीं है या कोई रोज़गार उनके पास नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, उन परिवारों को आज के दिन पर जीना मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। इसके लिए तो हमने 45 दिन कंट्रीब्यूट किया, और आने वाले दिनों में जैसे हालात ठीक होंगे, हम सरकार को इन चीज़ों के बारे में सुनाने की सलाहियत रखते हैं। This video is sponsored by J&K Bank Limited.